इसी के साथ मैं हमारे परवीन तलवार सर का भी इस्तकबाल करता हूँ और हमारे जो बेलगाम के जाने माने रिपोर्टर है इकबाल जकाती साहब, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो मौजू है सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, तो इसके तालुक से एक इंट्रोडक्शन मैसेज देने के लिए मैं इकबाल जकाती साहब को स्टेज पर लाना चाहूँगा और अपनी इजाजत पेश करें। हम सभी जानते हैं कि आज यौम जमहूरिया है। 73 में यौम जमहूरिया आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में जब यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है तो कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं। क्या जोखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को लेकर देखा था और जिस वक्त इस संविधान की रचना की थी, क्या उस राह पर यह मुल्क चल पड़ा है? यही सवालों के साथ आज पूरे मुल्क में ये जब यौम जमहूरिया तो मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं तो भी या बहुत कुछ कहिए कि मुल्क में जो हालात बनते जा रहे हैं, क्या वाकई ये मुल्क का संविधान ही बचेगा क्या नहीं? इसलिए कि संविधान को खत्म करने की साजिशें कोशिशें हर रोज हो रही हैं। अब तो गांधी के देश में गोडसे की जय जयकार की जा रही है। अब गोडसे महात्मा बनता दिखाई दे रहा है, यहां तक के पार्लियामेंट में तक गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो फिर उसी जगह पर आकर सवाल वहीं पर खड़ा हो जाता है, क्या इस मुल्क का संविधान बचेगा? आज का जो गणराज्योत्सव, आज जो यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, क्या वाकई वो अपनी राह पर सही दिशा में चल पड़ा है या नहीं? इसलिए कि आज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है इसी मौके पर एसडीपीआई की जानिब से, तो इस मौके पर हम ये देखना चाहेंगे कि क्या कोई जुर्म होता है या जुर्म किया जाता है तो कागज पर और फिर पुलिस थाने तक, फिर पुलिस थाने से अदालत तक जाते जाते कानून क्या शक्ल इख्तियार करता है। और इसी के लिए आज हम शहर के नामों हस्तियों को यहाँ पर बुलाए हैं, एडवोकेट यहाँ पर मौजूद है, हम आज इसी बात को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर जमा हैं कि आने वाले दिन और कितने खतरनाक होंगे। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्ववाद का एक चेहरा सामने आ रहा है और कहीं तो भी बाबा साहब अम्बेडकर की वो जो तालीमात दी गई थी, जो संविधान दिया गया था, उसे कहीं पसे पुष्ट फेंकने की कोशिश की जा रही है। संसद के बगल में संविधान को जलाया जा रहा है, ये आज की सच्चाई है। और जो फैसिस्ट ताकत, जो मनुवाद जिसे कहा जाता है, जिसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और बिल्कुल वो उस कगार पर आकर खड़े हुए हैं, इसीलिए वो हर हाल में बाय क्रुक हुकूमत चाहते हैं, वो इख्तदार चाहते हैं ताकि यहाँ पर ये अपना जालिम निज़ाम को कायम कर सके। जिसके हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने संविधान को राष्ट्र को समर्पित किया। समर्पित 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए वहां तब की जो कांग्रेस सरकार थी उसने 2 महीने का टाइम लिया। देखिए संविधान में कुल 395 आर्टिकल लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को 26,300 क्वेश्चन के आंसर करने पड़े थे, क्योंकि उसमें 2 कमेटी थी, एक संविधान कमेटी, दूसरा संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी। जो भी संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट करती थी उसको संविधान समिति में, संविधान कमेटी में अप्रूव करके बाद में उसको अमल में लाया जाए, ऐसा वो लिखते थे। इसलिए सर उन्होंने तकरीबन 2 साल 3 महीने 17 दिन लिए संविधान कंप्लीट होने के लिए। वो उसका वजह यह है कि 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन 1939 तक, जनवरी 26, 1939 तक कांग्रेस महासमिति ने संपूर्ण आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं किया था। कांग्रेस महासमिति ने
1939 जनवरी 26 तक संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित नहीं किया था। वो चाहते थे कि वो 26 जनवरी का जो डेट है उसको यादगार बनाए, उसको हिस्ट्री में दाखिल करे। इसलिए उन्होंने जनवरी 26 को ही उसको अमल में लाया। ब्राह्मण अपना जो अस्तित्व है उसको बरकरार रखने के लिए उसका जो फैसला है वो कभी ना भूले, इसको याद में रखने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को इसको अमल में लाया। इसलिए उन्होंने 2 महीने का टाइम लिया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार 1885 टू 1939 तक ब्राह्मणों ने या कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ब्रिटिशों को समझाते रहे कि आपका शासन हो हमारा प्रशासन, रूलिंग आपकी पावर हमारा, ये समझाने के उन्होंने 46 साल का उन्होंने टाइम लिया। उसके बीच में उन्होंने जनगणना लिखा, वंदे मातरम लिखा, वो सब उन्होंने ब्रिटिशों को सहलाने के लिए, ब्रिटिशों को अपने हिस्सेदारी में लेने के लिए उन्होंने ये सब ट्राई किया। जब उनको मालूम पड़ा 1939 में कि ब्रिटिश उनको अपने साथ लेने वाले नहीं है, तब उन्होंने ये घोषित किया 1939 जनवरी 26 को कि हम अपने संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पारित करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर चुन के ना आ पाए, इसलिए उन्होंने सब पैक कर दिया। तब आज का जो बंगाल है, जो तब का बंगाल था, वहां के मुस्लिम लीग के जो चीफ मिनिस्टर थे फजलुल हक करके, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को फोन किया, बंगाल बुलाए। बंगाल बुला के उन्होंने वहां पे उन्होंने उनको खड़ा किया, खड़ा करके उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान समिति में भेजा। संविधान समिति में बंगाल के फजलुल हक साहब ने जो उनको भेजा, वो आने के बाद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के षड्यंत्र से जो जिन जिन जिलों से उनको भेजा गया था, वो जो जो 4 जिले थे, वो खुलना, जयसूर, फरीदपुर, ओरछा, ये 4 जिलों को गांधी ने और पंडित ने पूर्व पाकिस्तान घोषित कर दिया। अभी संविधान सभा के आगे एक संकट खड़ा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान लिखने जा रहे हैं, लेकिन उनको जिताए कहाँ पे? जो पाकिस्तान का जो एरिया था वहां जिता गए। उनका कह रहा था ये संविधान सभा में आने नहीं चाहिए, बाबा साहब संविधान को संविधान में आने से रोकने के लिए नहीं, दरवाजे तक नहीं, खिड़की तक सब बंद कर दिया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर को गुस्सा आया, वो फिर लंदन चले गए। लंदन चले जाने के बाद उन्होंने क्लेमेंट अटली से मिले। क्लेमेंट अटली जो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था उससे मिले। वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो सत्ता भारत में कायम करने के लिए, महाराष्ट्र में कायम करने के लिए जिन शूरवीर 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मार डाला था, उस बिरादरी का मैं हूँ। अगर आप ऐसा ये करते हैं तो मैं यहाँ पे खून की होली हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लेमेंट अटली को धमकाया। क्लेमेंट अटली ने तब वो बाबा साहब ने गुस्सा है उन्होंने समझा, समझ के वो क्या किया क्लेमेंट अटली ने, नहीं आपका जो गुस्सा समझ में आता है मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ करके उन्होंने नेहरू को और गांधी को एक खत लिखा, अगर हम भारत देश छोड़ के जाएंगे तो संविधान दे के जाएंगे, और जो संविधान है वो 3 सेक्टर है उनमें से लिखा जाएगा। एक सेक्टर है सवर्णों का, एक सेक्टर है मुस्लिम लीग का, एक सेक्टर है अछूत जाति का। ये तीनों तबके के लोग अगर मिलकर संविधान लिखेंगे तभी हम भारत छोड़ के जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। 2 समिति बनाई, एक है संविधान समिति, एक है संविधान रचना समिति, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी।
जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। पहला एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि संविधान स्टार्ट किया कैसे जाए, संविधान को स्टार्ट कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन खड़ा हुआ। उसके ऊपर एक डिबेट हुआ, उसके ऊपर डिबेट में वहां के जो 14 प्रांत के जो विशेष लीडर लोग थे उनको बुलाया गया था 14 प्रांत के, उनमें से मदन मोहन मालवीय ये कांग्रेस का आदमी था, उसने बोला कि आप ओम के नाम से संविधान स्टार्ट करो। और एचसी कामत ने सुझाव दिया कि आप ईश्वर के नाम से संविधान स्टार्ट करो। फिर वहां के हजरत मौलाना सोहनी साहब थे, वहां में हजरत मौलाना सोहनी साहब ने अल्लाह के नाम पे स्टार्ट करो, ऐसा उन्होंने अपना सुझाव दिया। ऐसे सभी अन्य जातियों ने, सभी जो जो वहां पे मुझे तो उन्होंने अपना अपना राय बताया। एकदम लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना राय बताने के लिए बोला गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला, देखिए ये जो भारत देश है, ये भारत देश किसी एक कौम का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है, किसी एक कास्ट का नहीं है, ये सारे मानवता का देश है। इसलिए इसका जो स्टार्टिंग है वो मानवता के ऊपर स्टार्ट किया जाए। इसी कारण हमारे प्रियाम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया करके स्टार्ट होता है, पहले आर्टिकल में इंडिया दैट्स भारत। इंडिया दैट्स भारत मीन्स बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय सोच लिया था, अगर ये ब्राह्मण लोग सत्ता में आएंगे तो इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या होता है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस बंगाल के 4 डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूट कमिटी में चुन के भेजा, उन लोगों के लिए ब्राह्मणों के मन में आज भी यह गुस्सा है। इसके लिए वो लोग यहां पे ना आ पाए, इसलिए उन्होंने वो चारों डिस्ट्रिक्ट को जेल में रखते हुए उनको यहां आने के लिए पाबंद रखने के लिए CAA NRC ये लागू किया उन्होंने। अभी उन्होंने जो CAA NRC लाया वो आर्टिकल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ में है। अभी उसके बाद आते हैं आर्टिकल 13 को आते हैं। 13 आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और विच आर इन डेरिवेशन विद फंडामेंटल राइट्स, दोज लॉज आर ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस, आर नल एंड वॉइड। जो संविधान के मूलभूत हक के विरोध में है वो सब कानून आज से रद्द हो जाएंगे, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में लिखा है। आर्टिकल 14 के सब लोग, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, ये सभी कानून के आगे सभी एक समान है। कि अगर हमको संविधान को समझना है, अगर हमको संविधान से ठीक तरह से अमल में लाना है तो हमको एक हाथ में मनुस्मृति लेना पड़ेगा, मनुस्मृति एक हाथ में संविधान लेना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जो है ये मनुस्मृति का एंटीडेट है। मनुस्मृति में असमानता है, संविधान में समानता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है। 19 जो है आर्टिकल 19 उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसमें से 6 फंडामेंटल राइट है, 6 उसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों दिया कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया था, अगर कोई विद्याभ्यास करता है, मीन्स कोई शुद्ध या अति शुद्ध, मनुस्मृति में ब्राह्मण को छोड़ के सभी लोग शूद्रिय मनुस्मृति में, इसलिए वो जो जो
वो पढ़ता है उसके जीभ काट दो, ये लिखा हुआ। जो भी ओम नाम का मंत्र सुनता है उसकी कान में शीशा पिघला के डाल दो। जो भी उसको देखता है आंखों से उसकी आंखें निकाल दो। ये सभी इंपैक्ट मनुष्य में लिखा गया है, लेकिन हम में से किसी ने भी शायद मनुष्य नहीं पढ़ा। और आर्टिकल 25 में लिखा है आप अपना मन चाहा धर्म प्रैक्टिस कर सकते। प्रैक्टिस करने के लिए कोई उसमें कन्वर्ट होना ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आर्टिकल 5-11, आर्टिकल 12-35, आर्टिकल 332-345, ये सब ऐसे 69 आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है ये सभी इस देश के एससी एसटी और ओबीसी के कल्याण के लिए है। हमको इसको ज्यादातर समझना होगा, समझ को उसके अमल में उसको अमल में लाना होगा। तो जैसे कि उन्होंने अभी हमें समझाया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, तो इसी तरह से अभी हमारे बालकृष्ण कामले सर को मैं बताना बुलाना चाहूँगा कि जो थेरोटिकली किताब में है कॉन्स्टिट्यूशन में है वो वही रह जाता है। जब हमारे लड़कों को या फिर हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, तो उसमें कितनी चीज़ें इलीगली होती है जो हमें परेशान करने के लिए, अगर हमें आगे कानूनी कार्रवाई ना कर पाए, ये सब करने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि हमें अब हम अपना खुद का डिफेंस कर पाए। तो इसके बारे में समझाने के लिए मैं बालकृष्ण सर को दावत देता हूँ कि वो अपनी बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक वर्ड जो है 7-8 शब्द का वर्ड है, संविधान 5 शब्द का वर्ड है। लेकिन जैसे हमारे दोस्त ने बताया, पूर्व कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जब मनी समिति थी उस टाइम हम जो मूल निवासी है SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जो हम सभी लोग हैं, वो किस हालत से गुजरते थे, हमें किस तरह से टॉर्चर करते थे, हम लोगों को किस हालत से हमें गुजरना पड़ता था। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में आज हम क्या है, मैं आज अगर आपके सामने सूट बूट पैंट डाल के अगर खड़ा हूँ तो किसी भगवान की वजह से नहीं या किसी की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। और एक भाइयों, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो जो लोग विरोध करते थे और जो जो लोगों ने इसे सपोर्ट किया, अभी प्रवीण सर ने बताया, बहुत सारे लोगों को हमारे भाइयों को पता नहीं है, हमारे SC ST के लोग हैं उन्हें भी नहीं पता है, सिर्फ बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बाबा साहब चेयरमैन थे, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लग के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो सभी ठीक है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब को इस कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने के लिए जिन लोगों ने प्रयत्न किया, प्रयत्न ही नहीं पूरी अपनी जान की बाजी लगाई, वो लोग हमारे आज के पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के हमारे भाई लोग थे, मुसलमान ही लोग थे। मुसलमान लोगों की वजह से आज बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ सके और आज हमें एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दे सके। हम इससे हमें सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि मुसलमान भाइयों का कितना योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। हम लोगों को SC ST और माइनॉरिटी को उन्होंने जो जंजीर में जकड़े थे मनुष्यवादी लोगों ने, उसमें से हमें मुक्त किया। क्यों? लेकिन वो आज के जो है यो मनुवादी लोग है वो क्यों जला रहे हैं आपको तो पता है, इसलिए भाइयों हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो मैं मुख्तसर आपको एक बात ये बताता चलूं कि यौम जमहूरिया हर साल मनाया जाता है और ये मनाना हर भारतीय और हर हिंदुस्तानी का अपना एक बुनियादी हक भी है और जिसे एक नेशनल त्यौहार के तौर पर, एक कौमी त्यौहार के तौर पर हम मनाते भी हैं। इस बार या इससे पहले या पिछले साल से बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर जहां नहीं मनाया जाता था या फिर वो चीज़ें सामने नहीं आती थी, इस बार सोशल मीडिया में वो फेसबुक से लेकर ट्विटर तक और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारी तस्वीरें देखने मिली। हर हर जगह पर फ्लैग होस्टिंग और जगह जगह पर हुबुलवतनी के जलसे हमने देखे। लेकिन ये अगर किसी दबाव के चलते हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए।
इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को आज़ादी है और वो जमहूरी जमहूरियत का दिन मनाए या यौम आज़ादी मनाए, ये यहाँ के हर एक हिंदुस्तानी का अपना हक है। ये किसी एक विचारधारा की पार्टी या किसी एक विचारधारा की संगठना किसी एक मखसूस तबके को या दलितों को या मुसलमानों को उनसे धूबुलबंदी का या देशभक्ति का सबूत नहीं मांग सकते। अगर वो मांगते हैं तो देने की भी जरूरत हमें नहीं है, इस बात को समझना होगा। इसलिए कि ये हमारे दिलों में है और खासकर दलितों और मुसलमानों पर एक गद्दारी का और हमें देश से मोहब्बत न होने की जो बातें मुसलसल कही जाती हैं, उसके लिए अल्लामा इकबाल के अशआर सबसे ज्यादा सबूत के तौर पर हम पेश कर सकते हैं। सारे जहां से अच्छा तो उन्होंने लिखा ही है, लेकिन उनकी एक नज्म है नया शवाला, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बात कह दो है ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, एक बात कह दो है ब्राह्मण गर तू बुरा न मारे, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा दे होता है। इससे ज्यादा हुकुलवंती की मिसाल कोई और शायर या कोई और किताब में आप नहीं देख सकते। इस वतन की मिट्टी के एक एक जर्रे को हमने देवता के तौर पर देखा है। ये अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों या हिंदुस्तान के हर शहरी के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसी वारदातें भी, लौ जिहाद का मामला आया, अब हाल ही में उड़पी में हिजाब का जो मामला आया, स्कूल में पढ़ने वाली अब हमारी बच्चियां तालिबात भी अब इनके निशाने पर है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। हिजाब पहनकर कोई नया सिस्टम तो लागू नहीं किया गया है, ये एक जमाने से चलता आ रहा है और ये हमारा एक मजहबी एक सिस्टम है और इस सिस्टम को आज इनकी नज़र में तो उसे चुभ रहा है और आज इसे एक मुद्दा बनाकर इस पर सियासत करने की जो कोशिश की जा रही है ये काबिले मजम्मत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरी जो सिस्टम है दस्तूर हिंद हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम जो अपनी मर्जी का लिबास है वो हम पहन सकते हैं। अगर आप लिबास पर बात करते हो तो आपको भी किसी धार्मिक लिबास पहनकर सीएम या पीएम बनने की जरूरत नहीं है।